इंडियन आइडल का ये 11वां सीजन है। ऑडियंस के हिसाब से देखा जाए तो इंडियन आइडल का ये सीजन बाकी सीजन से सबसे ज्यादा फेमस हुआ है। इस सीजन ने जितनी टीआरपी बटोरी है उतना शायद ही इंडियन आइडल का कोई सीजन बटोर पाया होगा। और क्या आप जानते हैं कि इस शो को मिल रही टीआरपी की वजह क्या है? इस टीआरपी की वजह है शो के कंटेस्टेंट, जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस के चलते सभी को शो देखने पर मजबूर कर रखा है। सोनी टीवी पर आने वाले इंडियन आइडल के सारे कंटेस्टेंट लाजवाब हैं। शो को सबसे ज्यादा टीआरपी दिलवाई है शो के सबसे फेमस कंटेस्टेंट सनी हिंदुस्तानी ने। इस सीजन में अगर कोई कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा फेमस हुआ है तो वो है सनी हिंदुस्तानी। ये भी कहा जा सकता है कि शो अगर फेमस हुआ है तो सनी हिंदुस्तानी की वजह से। सोनी टीवी वैसे भी टॉप 10 चैनल्स में आता है। उसका शो इंडियन आइडल भी टॉप फेमस शोज में से एक है। सनी हिंदुस्तानी ने अपनी परफॉर्मेंस से अपनी किस्मत के साथ साथ शो पर भी 4 चांद लगा दिए हैं। इस पूरे सीजन में सनी हिंदुस्तानी ने अपनी गजब की परफॉर्मेंस से सभी को अपना दीवाना बना दिया है। सनी हिंदुस्तानी ने सीजन में एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस की है। सनी को शुरू से ही नुसरत साहब के गाने गाते हुए देखा गया है। शो में ये भी कहा गया था कि क्या सनी नुसरत साहब के गानों के अलावा भी कोई सा गाना गा पाएंगे, पर सनी ने सभी को गलत साबित करते हुए अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत लिया और ये साबित कर दिया कि वो दूसरे जॉनर के गाने भी बखूबी से निभा सकते हैं। सनी ने हमेशा ही शो पर आए हुए मेहमानों पर अपनी गायकी का जादू चलाया है। शो पर आया एक भी ऐसा गेस्ट नहीं है जिसको सनी ने अपना मुरीद न बनाया हो। अभी तो शो चल ही रहा है, लेकिन शो में कंटेस्टेंट होने के बावजूद भी सनी बॉलीवुड में अपनी पहचान कायम कर चुके हैं। हिमेश रेशमिया की मूवी द बॉडी के गाने रोम रोम के लिए काफी टाइम से एक सिंगर की तलाश की जा रही थी, और जब सिंगर तलाशे जाने की बात इंडियन आइडल के जज विशाल ददलानी तक पहुंची, तब हिमेश रेशमिया की इस मूवी के गाने रोम रोम के लिए विशाल ददलानी ने सनी हिंदुस्तानी का नाम सजेस्ट किया। वॉइस टेस्ट देने के लिए सनी स्टूडियो गए और उन्हें इस गाने के लिए साइन कर लिया गया। ये भी एक बड़ी वजह थी शो को टीआरपी दिलाने के लिए कि कंटेस्टेंट होने के बाद भी सनी अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं। सनी यही नहीं रुके, इसके बाद भी सनी ने अपनी मेहनत से सभी का दिल जीता और इसके बाद शो पर किशोर दा के बेटे अमित कुमार पहुंचे, तब सनी के हाथों एक और सफलता लगी। अमित कुमार सनी का गाना सुनकर इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपने नए रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए सनी को स्टेज पर ही साइन कर लिया। सनी यही नहीं रुकने वाले थे, इसके बाद हुए तमाम एपिसोड में सनी ने अपनी गायकी का जलवा बिखेरा। हाल ही में हुए एपिसोड में सनी ने नुसरत साहब के सहयोगी रोशन अली साहब के साथ परफॉर्म किया। इस परफॉर्मेंस से सनी ने सबका दिल जीत लिया, और जब सनी और खुद नुसरत अली साहब के सहयोगी एक साथ परफॉर्म करेंगे तो शो की टीआरपी तो बढ़ना ही थी। कुछ भी कहो, इस सीजन को गायकी का असली हुनर सनी हिंदुस्तानी के रूप में मिल गया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।